लगातार सुबह से श्रद्धालु जो है क्या करके आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। बहुत दूर दूर से जो है श्रद्धालु आते हैं और हनुमान जी का दर्शन करते हैं। ये हनुमान जी जो है वो रेलवे स्टेशन जैसे कहाँ से आए हैं जी? हम अभी नवादा से आ रहे हैं। नवादा से? बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी का दर्शन करने। हनुमान जी का दर्शन करने के लिए नवादा से आए, सुबह से आए, अभी जाके दर्शन हुआ और अभी जस्ट आपसे बात कर रहे हैं। और भी कुछ है लोगों से बात करें, कहाँ से आए? हम लोग सहरसा से आए हुए हैं। सहरसा से? हाँ। कितना देर से लाइन में लगे हुए हैं? अभी यही आधा पौने घंटा से लगभग लगे हुए हैं। अच्छा, अयोध्या में राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसका पहला बार भव्य हो रहा है, क्या कहिए? इसमें क्या कहेंगे, यहाँ की जो व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, जैसे रामलला का वहाँ पर हो रहा था वैसे ही यहाँ पर भी जो है आज का दृश्य देखने को मिल रहा है रामनवमी के अवसर पर। एक तरफ देखिए व्यवस्था में अगर बात किया जाए तो देखिए एम्बुलेंस क्या है, इधर चिकित्सा शिविर लगाया गया है, नियंत्रण कक्ष है और वहाँ पे बता दें तो जगह जगह पर जो है LED का सिस्टम है लगाया गया है ताकि लोग जो है वो बाहर से भी दर्शन कर सकें। देखिए आज रामनवमी है और रामनवमी को लेकर के महावीर मंदिर पटना का दृश्य है, एक बार दिखा दीजिए। लगातार सुबह से श्रद्धालु जो है क्या करके आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। बहुत दूर दूर से जो है श्रद्धालु आते हैं और हनुमान जी के दर्शन करते हैं। ये हनुमान जी जो है वो रेलवे स्टेशन जैसे कहाँ से आए हैं जी? हम अभी नवादा से आ रहे हैं। नवादा से? बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी का दर्शन करने। हनुमान जी का दर्शन करने के लिए नवादा से आए, सुबह से आए, अभी जाके दर्शन हुआ और अभी जस्ट आपसे बात कर रहे हैं। चलिए, कहाँ से आए हैं? पटना से ही है। पटना से दर्शन, कितना देर से लाइन में लगे हुए हैं? 10 मिनट। 10 मिनट, कितना देर में लगेगा कि अब दर्शन हो जाएगा? वो तो लाइन के ऊपर है। लाइन के ऊपर है। कहाँ से आए हैं? पटना। पटने से हैं? हाँ। कितना देर से लाइन में है? हो गया 20 मिनट। 20 मिनट? हाँ। भैया करे 10 मिनट, आप करे 10-20 मिनट हो गया है। 10-20 मिनट हो गया। हाँ। कहाँ से आए? बेतिया। बेतिया? हाँ। दर्शन में कितना देर लगे हैं लाइन से? अभी तो 10 मिनट से ही लगे हुए हैं। 10 मिनट से लगे हुए हैं। लेकिन दर्शन हो जाएगा? देखिए, अभी तो हमको लगता नहीं है कि लंबा भीड़ था, दर्शन हो पाएगा? देखिए 6-7 बज जाएगा, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई टाइम का फिक्सेशन नहीं है कब तक हो पाएगा। कब तक हो पाएगा? और भी लोग हैं बहुत दूर दूर से, कहाँ से चल के आएंगे? हम तो यहीं के लोकल हैं। लोकल ही हैं? हाँ। कितने देर से लगे हुए लाइन? बस अभी तुरंत आए हैं। तुरंत ही आए हैं? हाँ हाँ, तुरंत आए हैं। तुरंत दर्शन भी हो जाएगा? तुरंत दर्शन हो जाएगा। हर साल इस समय जो है ना वो भीड़ कम रहती है तो तुरंत दर्शन हो जाता है। तो हम कहाँ से आए? आंटी साथ में? कहाँ से आए हैं? हम मधुबनी से आए हुए हैं। मधुबनी से? हाँ। दर्शन हो पाएगा? कितना देर से लाइन में है? अभी 5 मिनट से है। 5 मिनट से? हाँ। लगता है कितना देर में दर्शन हो पाएगा? हो जाएगा, 10-15 मिनट में हो जाएगा। 10-15 मिनट? हाँ। है युवा के, अभी जो राम मंदिर बहुत बहुत युवा है। हाँ। बहुत जो है कि उत्साह है, मॉर्निंग से ही जो है कि यहाँ बहुत ज्यादा ही भीड़ था। हाँ। इसीलिए हम जो है कि थोड़ा आए लेट से, मतलब जो है कि हमको जल्दी हो जाए। हमें राम मंदिर बनाए गए हैं? नहीं गए नहीं है, जाएंगे। जाना है? हाँ जाना है। चलिए, और भी युवा है, कहाँ से है भाई? गर्दनीबाग से। गर्दनीबाग? पटने से लोग? हाँ, पटना ही से। कितना देर से लाइन में है? 5 मिनट। 5 मिनट? कितना देर लगेगा अंदर? लगभग 15-20 मिनट। 15-20 मिनट? अयोध्या गए हैं कि नहीं राम मंदिर? नहीं गए तो नहीं है। नहीं गए? नहीं। चलिए देखिए, लगातार जो है वो यहाँ कहे तो महिलाएं के साथ साथ जो युवा जो है वो भागीदारी ले रहे हैं। आपको बता दें इसी वर्ष जो है रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उसके बाद फर्स्ट जो है कहे तो रामनवमी मनाया जा रहा है। युवा बहुत दूर दूर से चल के आए हैं और देखिए लगातार में सुबह से जो है वो लोग लाइन में लगे हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं। और भी कुछ है लोगों से बात करें, कहाँ से आए? हम लोग सहरसा से आए हुए हैं। सहरसा से? हाँ। कितना देर से लाइन में लगे हुए हैं? अभी यही आधा पौने घंटा से लगभग लगे हुए हैं। अच्छा, अयोध्या में राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसका पहला बार भव्य हो रहा है, क्या कहिए? इसमें क्या कहेंगे, यहाँ की जो व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, जैसे रामलला का वहाँ पर हो रहा था। हाँ। वैसे ही यहाँ पर भी जो है आज का दृश्य देखने को मिल रहा है रामनवमी के अवसर पर। हाँ, हम लोगों को यहाँ पर से है। हम लोग खुश हैं। हाँ, एकदम बिल्कुल उत्साहित है। कहाँ से हैं? हम राजीव नगर से। राजीव नगर लोकल हैं? हाँ। चलिए देखिए, और भी लोग जो है, तमाम लोगों से हमने बातचीत किया, लोग जो है बहुत दूर दूर से आए हैं। सुबह से ही जो भीड़ है वो काफ़ी संख्याएं देखी जा रही थी, लेकिन अभी जो है वो भीड़ कम है। एक तरफ देखिए व्यवस्था में अगर बात किया जाए तो देखिए एम्बुलेंस क्या है, इधर चिकित्सा शिविर लगाया गया है, नियंत्रण कक्ष है और वहाँ पर बता दें तो जगह जगह पर जो है LED का सिस्टम है लगाया गया है ताकि लोग जो है वो बाहर से भी दर्शन कर सके, जो अंदर नहीं जा पाए, कई भीड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसके लिए जगह जगह पे LED लगाया गया है और जगह जगह पर जो है वो प्रसादी वितरण किया जा रहा है। वहीं पे बात करें अगर शरबत वितरण किया जा रहा है, तमाम लोग जो है आज पटना के कहे तो हनुमान मंदिर जो है वो पहुँचे हैं और हमने लोगों से बातचीत किया, तमाम लोगों ने अपनी बातों को रखा कि बहुत दूर से आए हैं। लगभग कुछ लोग बता रहे हैं कि 10 मिनट से जो है वो लाइन में लगे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हम आधे घंटे से लगे हैं। तमाम लोगों से हमने बातचीत किया, लोगों के अंदर उत्साह भरा हुआ है, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। फिलहाल इसमें आपकी प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे सस्टॉक्स, मेरा नाम ऋषि है।